मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले आपका क्या कहना। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज 5 सितंबर का दिवस बहुत विशेष दिवस है। हम सबका सुप्रीम टीचर सुप्रीम गुरु शिव बाबा संगम पर आकर हम सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर हमारे जीवन में ज्ञान की रोशनी देकर हम सबका जीवन धन्य धन्य बना दिया। ऐसे प्यारे सतगुरु को सुप्रीम टीचर को बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आप हमें इस जन्म में आकर मिले और हमारा जीवन उज्जवल बना दिया। आज सतगुरु बाबा ने सम्मान दिलाकर कहा कि दुनिया में शिष्य गुरु का सम्मान करते हैं, रिगार्ड करते हैं, लेकिन यहाँ सतगुरु बाबा बच्चों का रिगार्ड रखते हैं और रिगार्ड देकर बच्चों को पढ़ाते हैं। और साथ में कहा कि यह बाप और बच्चों का मेला है, गुरु और शिष्य का संबंध बहुत दूर की भासना दिलाता है, लेकिन बाप और बच्चे का संबंध बहुत नज़दीक और अपनेपन की अनुभूति कराता है। तो कहा कि बाबा का बच्चों पर बहुत लव रहता है और बच्चों का फिर बाप से बहुत लव रहता है। फिर कहा कि आपसे कोई पूछते हैं यहाँ आपको क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, तो बाबा कहे बोलो हम यहाँ राजयोग सीखते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता राजाओं का राजा बन जाते हैं। फिर पढ़ाई पर अटेंशन दिलाते कहा कि टीचर शिव बाबा सबको देखते रहते हैं, कौन कौन बच्चे अच्छी तरह पढ़ते हैं, कोई जुटका तो नहीं खाते हैं, अटेंशन इधर उधर तो नहीं जाता है, तवाई होकर तो नहीं बैठे हैं। बाबा कहे जो अच्छे शुरुड़ बुद्धि बच्चे होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। और कहा स्कूल में आंखें बंद कर बैठना यह कोई कायदा नहीं है, यहाँ तो बाप को याद करना है, अच्छी रीति धारणा करना है और औरों को भी सुनाने का शौक रखना है। फिर याद के लिए कहा कि जब तुम बच्चे सवेरे सवेरे यथार्थ याद में बैठते हो तो चारों ओर शांति का प्रवाह हो जाता है। इसमें अपने को आत्मा निश्चय करना है और सारे दिन के याद का हिसाब निकालो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है क्योंकि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे, बाप से वर्षा मिलता है, यह लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते हैं। आज मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, शुरुड़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर में बाबा ने कहा उन्हें दूसरों का सुनने का शौक होगा, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेंगी नहीं। शुरुड़ बुद्धि जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे, स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते हैं अर्थात अलबेले होकर बैठते हैं, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, वह ज्ञान को समझते ही नहीं, उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। ओम शांति। यह है बाप और बच्चों का मेला, गुरु और चेले अथवा शिष्य का मेला नहीं है। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है कि यह हमारे शिष्य हैं अथवा फॉलोअर व जिज्ञासु हैं। हल्की दृष्टि हो गई ना, बाबा कहते हैं यह भावना हल्की भावना हो गई, वह उस दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को नहीं देखेंगे, वह देखते हैं शरीरों को। और वह चेले भी देह अभिमानी होकर बैठते हैं। बाबा कहते हैं दोनों सत्संग में कितना फर्क है, उनको अपना गुरु समझते हैं, दृष्टि ही वह रहती है कि यह हमारा गुरु है, गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं। यहाँ तो बहुत फर्क है, यहाँ बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं इन बच्चों को पढ़ाना है। बाबा कहते हैं वहाँ चेले गुरु का रिगार्ड रखते हैं और यहाँ बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं और आकर ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों को समझानी है। उन गुरुओं के दिल में बच्चे का लव नहीं होगा। बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है और बच्चों का भी बाप पर लव रहता है। तुम जानते हो बाबा तो हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं, वह क्या सिखाते हैं,
आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते हैं, भक्ति के कर्म कांड करते, गायत्री मंत्र संध्या आदि सिखलाते रहते हैं। अभी तो बाप आया हुआ है तो अपना परिचय दे रहे हैं। हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते थे, सर्वव्यापी ही कह देते थे। कभी भी पूछो परमात्मा कहाँ है तो जट कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं यहाँ क्या सिखाया जाता है, तो बोलो हम राजयोग सीखते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में है मनुष्य। अब हम तुमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे और फिर तुमको पावन बनने की बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। ऐसी युक्ति कभी कोई समझा ना सके, यह है सहज राजयोग। बाप है पतित पावन, वह सर्वशक्तिमान भी है तो उनको याद करने से भी पाप भस्म होंगे क्योंकि योग अग्नि है ना। बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान से योग लगाएंगे तो जरूर आत्मा के पाप भस्म होंगे क्योंकि बाबा तो तेजोमय सर्वशक्तिमान है। तो यहाँ नई बात सिखलाते हैं, यह ज्ञान मार्ग है। ज्ञान सागर एक ही बाप होता है, ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सिखलाने लिए बाप को आना पड़ता है क्योंकि वह ज्ञान का सागर है। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं सबका बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। तो सतयुग आदि कलयुग अंत का यह संगम युग है, इनको लिप युग कहा जाता है। इसमें हम जंप मारते हैं, कहाँ? बाबा कहते हैं इस संगम युगी लिप युग में हम जंप मारते हैं। तो जंप मारकर कहाँ जाते हैं? पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं। वह तो सीढ़ी से आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते हैं, यहाँ तो हम छी दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं, अर्थात पुरुषार्थ करके नई दुनिया में जन्म लेते हैं, सीधा चले जाते हैं ऊपर परम धाम। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं, यह है बेहद की बात। बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य है, नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ सब पवित्र रहते हैं, कलयुग में है सब अपवित्र। अपवित्र रावण बनाते हैं, यह तो सबको समझाते हैं कि तुम अब रावण राज्य अथवा पुरानी दुनिया में हो, असल में राम राज्य में थे जिसको स्वर्ग कहा जाता था। फिर कैसे 84 का चक्र लगाकर नीचे गिरे हो, सो तो हम बता सकते हैं। जो अच्छे समझदार होंगे वह जट समझेंगे, जिसको बुद्धि में नहीं आएगा वह तो तवाई मिसल इधर उधर देखते रहेंगे, अटेंशन से सुनेंगे नहीं। कहते हैं ना तुम तो जैसे तवाई हो। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं तो कोई जुटका खाते हैं या अटेंशन और तरफ रहता है, तो अचानक उनसे पूछते हैं क्या सुनाया। बाप भी सबको देखते रहते हैं, कोई तवाई तो नहीं बैठे हैं। अर्थात बाबा जब रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं तो बच्चों को भी देखते रहते हैं कि बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, बुद्धि योग इधर उधर तो नहीं जाता है। बाबा कहे अच्छे सुदृढ़ बुद्धि बच्चे जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठे यह तो कायदा नहीं है, कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं। बाप को याद करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, फिर पाप कैसे कटेंगे? सुदृढ़ बुद्धि तो अच्छी रीति धारण कर औरों को सुनाने का शौक रखते हैं। ज्ञान नहीं है तो बुद्धि मित्र संबंधियों के तरफ भटकती रहती है। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब कुछ भूल जाना है, पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए। बाप ने सन्यासियों आदि को देखा हुआ है जो पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, सवेरे ऐसे बैठे बैठे ब्रह्म तत्व को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं। उनके शांति का प्रवाह बहुत होता है, अर्थात ऐसी आत्मा के आसपास शांति का वातावरण बहुत अच्छा होता है। अब वह ब्रह्म में लीन तो हो न सके, फिर भी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। बाप ने समझाया है वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कहा जाता है, मनुष्य तो बिगर अर्थ समझे ऐसे ही कह देते हैं।
बाप समझाते हैं श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी अर्थ है। बाबा कहते हैं दोनों का अलग अलग अर्थ है दोनों ही पवित्र। यह देवता कैसे बना, सन्यासी से देवता बना। बाबा ने भावार्थ बताया कि सन्यासी व देवता का अर्थ क्या है, कि देवता बनने के पहले सन्यासी बनना है और किसका सन्यास करना है, पुरानी कमी कमजोरियों का। बाबा कहे बेहद का सन्यास किया फिर चले गए नई दुनिया में, वह तो हद का सन्यास करते हैं, बेहद में जा न सके, हद में ही पुनर्जन्म लेना पड़े विकार से, बेहद का मालिक बन न सके, राजा रानी कवि बन न सके, क्योंकि उन्हों का धर्म ही अलग है, सन्यास धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। बाप कहते हैं मैं अधर्म विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, विकार भी अधर्म है ना, इसलिए बाप कहते हैं इन सब का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, वही धर्म फिर अधर्म बनता है। अब तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हो, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, अपने को आत्मा निश्चय करना है। बाबा कहते हैं इस धर्म में प्राप्ति कब है, जब अपने को आत्मा निश्चय कर एक बाप को याद करेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, इसमें भी जितना हो सके उठते बैठते यह पक्का करो, जैसे भगत लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जपते हैं, तुम तो सारे दिन का हिसाब निकाल सकते हो, अर्थात सारे दिन का पोता मिल देख सकते हैं कि हम बाबा को कितना समय याद करते हैं, फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में इतना समय याद रही, टोटल निकालते हो। वह तो सवेरे उठकर माला फेरते हैं, भल कोई सच्चे भगत नहीं होते हैं, कईयों की बुद्धि तो बाहर कहाँ कहाँ भटकती रहती है। अभी तुम समझते हो भक्ति से फायदा कुछ भी नहीं मिलना है, यह तो है ज्ञान जिससे बहुत फायदा होता है। बाबा कहे अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, गीता में भी अक्षर है परंतु उसका अर्थ कोई भी सुना नहीं सकेंगे, जवाब देना आएगा नहीं। बाबा कहे वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ भी है, अपने को आत्मा समझ देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो, भगवान उवाच है ना, परंतु उनकी बुद्धि में है श्री कृष्ण भगवान उवाच, वह तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला है ना, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं। तो सन्यासी आदि किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चे की नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा है ही सब आत्माओं का पिता। भल गांधी जी को बापू जी कहते थे परंतु बाप बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे, वह तो फिर भी साकार हो गया ना। तुमको तो समझाया है अपने को आत्मा समझो, इसमें ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटि में जो बाप बैठा है वह है बेहद का बापूजी। लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप से वर्षा मिलता है, बापूजी से तो कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु यह वर्षा तो नहीं कहेंगे, सुख मिलना चाहिए ना। वर्षे होते ही है दो, एक हद के बाप का दूसरा बेहद के बाप का, ब्रह्मा से भी कोई वर्षा नहीं मिलता। भल सारी प्रजा का वह पिता है, उनको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जबकि यह खुद कहते हैं मेरे से वर्षा नहीं मिल सकता है, तो फिर उस बाबूजी से क्या वर्षा मिल सकेगा, कुछ भी नहीं। बाबा कहे अंग्रेज चले गए, अभी क्या है, भूख हड़ताल पिकेटिंग स्ट्राइक आदि होती रहती है, कितनी मारा मारी होती रहती है, कोई का डर नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी मार देते हैं, सुख के बजाय और दुख है, तो बेहद की बात यहाँ ही है। बाप कहते हैं पहले पहले तो यह पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं शरीर नहीं, बाप ने हमको अडॉप्ट किया है, हम अडॉप्टेड बच्चे हैं। तुमको समझाया जाता है बाप ज्ञान का सागर आया है तो सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, दूसरा कोई समझा न सके। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को भूल माम एकम याद करो, सतो प्रधान जरूर बनना पड़ेगा, यह भी जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं,
कहाँ इतने करोड़ों आत्माएं और कहाँ 9 लाख, इतने सब कहाँ जाएंगे? अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सब आत्माएं ऊपर में थी परम धाम में, फिर यहाँ आई है पार्ट बजाने। आत्मा को ही एक्टर कहेंगे। आत्मा एक्ट करती है इस शरीर के साथ। आत्मा को ऑर्गन्स चाहिए ना। आत्मा कितनी छोटी है, 84 लाख जन्म है नहीं। हर एक अगर 84 लाख जन्म ले, फिर पार्ट रिपीट कैसे करेंगे? याद नहीं रह सकता, स्मृति से बाहर चला जाए। 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहते, भूल जाते हो। बाबा कहते जब 84 जन्मों की हिस्ट्री याद नहीं रहती है, तो फिर 84 लाख जन्मों की हिस्ट्री कैसे याद रहेंगी? अब तुम बच्चों को, बाप को याद कर पवित्र जरूर बनना है। इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, यह भी निश्चय है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा है कि माम एकम याद करो, क्योंकि मैं हूँ ही पतित पावन। तुमने बाप को पुकारा है ना, तो अब बाप आए हैं पावन बनाने। पावन होते हैं देवताएं, पतित होते हैं मनुष्य। पावन बनकर फिर शांति धाम में जाना है। तुम शांति धाम जाना चाहते हो या सुख धाम आना चाहते हो? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे तुम कहाँ जाना चाहते हो? बाबा कहे, सन्यासी तो कहते हैं सुख कागविष्ठा के समान है, हमको शांति चाहिए। तो वह सतयुग में कभी आ नहीं सकेंगे। सतयुग में था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, देवताएं निर्विकारी थे, वही पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। अब बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, स्वर्ग में चलना है, तो मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाए, पुण्य आत्मा बन जाएंगे, फिर शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। वहाँ सतयुग में शांति भी थी तो सुख भी था, अभी है दुख धाम। फिर बाप आकर सुख धाम की स्थापना करते हैं, दुख धाम का विनाश। चित्र भी सामने है, बोलो अभी तुम कहाँ खड़े हो? बाबा कहते हैं चित्र में समझाते हुए पूछो, अभी तुम कहाँ खड़े हो? अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है, बाकी जाकर थोड़ा टुकड़ा रहेगा। इतने खंड तो वहाँ सतयुग में होते नहीं। यह सब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बैठ समझाते हैं। यह पाठशाला है, भगवान वाच। पहले पहले बाप का परिचय देना पड़ता है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग में जाना है। वहाँ सतयुग में तो सुख ही सुख होता है। एक को याद करना, वह है अव्यभिचारी याद। शरीर को भी भूल जाना है। शांति धाम से आए हैं, फिर शांति धाम में जाना है। वहाँ शांति धाम में पतित कोई जा ना सके, बाप को याद करते करते पावन बन तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। यह अच्छी रीति बैठ समझाना पड़ता है। आगे इतने सब चित्र थोड़े ही थे, बिगर चित्र भी नटशेल में समझाया जाता था। इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बन जाना है। यह है नई दुनिया के लिए नॉलेज, वह बाप ही देंगे ना, तो बाप की दृष्टि रहती है बच्चों पर। हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, तुम भी समझाते हो, बेहद का बाप हमको समझाते हैं। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी मूंझ जाएंगे, क्योंकि बाबाएं भी बहुत हो गए हैं। म्यूनिसिपालिटी के मेयर को भी कहते हैं बाबा। बाप कहते हैं मैं इसमें ब्रह्मा में आता हूँ, तो मेरा नाम शिव ही है। मैं इस ब्रह्मा रथ द्वारा तुमको नॉलेज देता हूँ। इनको अडॉप्ट किया है, इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको भी मेरे से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सुकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, इसे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं है। ध्यान रहे पढ़ाई के समय, बुद्धि इधर उधर न भटके, उबासी न आए, जो सुनते जाए वह धारण हो जाए। आज बाबा ने वरदान दिया,
रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा, आज कल की बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं हो सकता। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाती है। आज बाबा ने हद की बातों से न्यारा होने की सहज विधि बताई कि सदा स्वमान रहे कि मैं स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी हूँ। अधिकारी को कोई भी हद की बात छोड़ने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आज का स्लोगन है, हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। आज 5 सितंबर का अव्यक्त इशारा है। आज बाबा कहे, इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज व स्थिति तब रहती है जब स्वयं युक्ति युक्त, संपन्न, नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त होते हैं। जो स्वयं सफलता मूर्त नहीं होगा तो वह अनेक आत्माओं के संकल्प को भी सफल नहीं कर सकता। जो संपन्न नहीं, उनकी इच्छाएं जरूर होंगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आ जाती है। आज बाबा ने इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज की परिभाषा बताई। बाबा कहे, वह सदा युक्ति युक्त होगा, संपन्न होगा, नॉलेजफुल होगा और सदा सक्सेसफुल होगा अर्थात सफलता मूर्त होगा। और जो सफलता मूर्त आत्मा होती है वही अनेक आत्माओं के संकल्प के द्वारा इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।